सकता हूँ मैं बनी बनाई लेकर। लाल तरोड़ में बनाने का साधन नहीं है मेरे पास, अच्छा लेने की जगह नहीं है मेरे पास। अच्छा ऐसे फुटपाथ में रह रहा हूँ, उसमें भी नगर पालिका वाले हैरान करते हैं। अच्छा 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 अभी डीसी से परमिशन लेके आया हूँ भाई साहब। अच्छा लेकर आया है। ठीक है ठीक है, बहुत हैरान किया। नहीं तो मेरा माल एक महीने पहले बिक जाता है। अच्छा जी, आपके बाहर बिका नहीं मेरा माल। आपके घर में धन की वर्षा करे सच्चे बादशाह, कारोबार में रोजी रोजगार में सफलता देवे, आपके बाल वो गापाल राजी देवे। जी जी, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों गणेश चतुर्थी आ रही है, तो गणेश चतुर्थी से अमृतसर में कैसा माहौल है वो देखने आए हैं। हाँ, महाराष्ट्र में तो मनाते हैं, वहाँ पर तो हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा फेमस महाराष्ट्र में होती है, और बड़े तरह के गणपति और बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े गणपति जी लेके जाते हैं लोग अपने घरों में। और हम भी यहाँ पे अमृतसर के पास जहाँ पे गणपति मिलते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने आए कि यहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है, कैसे लोग कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बना के आ रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं नावल्टी चौक के पास। ठीक है, नावल्टी चौक यहाँ पर देखिए गणपति जी कंपनी बाग के पास गणपति जी का काफ़ी बड़ा पंडाल लगा है, आइए एक्सप्लोर करते हैं। जी नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाब दास है। गुलाब कहाँ से आए हैं? हाँ जयपुर से आए। जयपुर से आए और ये गणपति लेकर आए हैं अपने तो नेहरू कॉम्प्लेक्स आते हर साल आते जी। यहाँ पे शुरू में आया था तो 30-40 मूर्ति लगती थी। अच्छा जी, अभी 2000-3000 की मूर्ति ऐसी डिमोट होगी, सारे अमर शहर में फैल गई। हमारे पास मूर्तियाँ बच गई, 200 मूर्ति लेके आया था उसमें भी बच गई है मूर्ति। अच्छा, तो ये सब मिट्टी की है? कर 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 भाग जाते हैं मेरे पास, इतनी मूर्ति 250 की 300 की बेच रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा सही। और ये साइज कितना है आप ये बताइए? ये साइज 1 फुट का है। 1 फुट है? हाँ। और इसको बनाने के लिए जो मिट्टी लगती है हाँ वो कहाँ से आप लेते हो? ऐसे आती है, कच्छे भी आती है, कच्छ भुज कच्छ की कच्छ गुजरात। अच्छा अच्छा, वहाँ की स्पेशल मिट्टी होती है जिससे ये बनते हैं। और आप अहमदाबाद में भी यही मिट्टी का चल रहा है, गुजरात में भी यही मिट्टी का चल रहा है, महाराष्ट्र में भी यही मिट्टी का चल रहा है, पूना में भी यही चल रहा है, हैदराबाद में भी यही चल रहा है। सब जगह हमारे बिरादरी वाले पेट परिवार वाले रिश्तेदार सब गणपति की मूर्ति बनाते हैं, साल साल भर बनाते हैं। तो आप बनी बनाई लेकर आते हो या यहाँ पर भी बनाते हो? बनी बनाई लेके आता हूँ मैं। बनी बनाई लेकर लाल तरोड़ में बनाने का साधन नहीं है मेरे पास। अच्छा, लेने की जगह नहीं है मेरे पास। अच्छा, ऐसे फुटपाथ में रह रहा हूँ, उसमें भी नगर पालिका वाले हैरान करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी डीसी से परमिशन लेके आया हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा, लेकर आया है। ठीक है ठीक है, बहुत हैरान किया। नहीं तो मेरा माल एक महीने पहले बिक जाता है। अच्छा जी, आपके बाहर बिका नहीं मेरा माल। क्यों नहीं बिका? ये परेशान कर दिया, दुकानें लगाने नहीं दी मेरे को। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे लगाए? 1-1.5 महीना हो गया मेरे को, 7-8 दिन हुआ है। अच्छा, अभी 7-8 दिन। हाँ, अमृतसर आते हो और भी कहीं जाते हो आप? नहीं नहीं, अमृतसर ही आते। कितने साल हो गए अमृतसर आते? 15 साल हो गया। 15 सालों से आ रहे हो अमृतसर? हाँ, लगातार आ रहा हूँ। ये तो पार्किंग में मेरा रेस्टोरेंट में माल रखते जी जी, वो पैसे के बारे में थोड़ा हो गया। तो आप सबसे बड़ा गणपति आपके पास कौन सा है वो बता दीजिए। दिखाइए कौन सा है। ये इसका साइज कितना है गणपति का? दो फुट। ठीक है, रेट क्या है इसका? इसके 3,500 है। 3,500 है। 3,500। और डिस्काउंट वगैरह हो सकता है? कितना हो सकता है? 250 कम दे रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, मतलब आप अगर यहाँ से खरीदेंगे तो आपको 150 रुपये कम भी मिलेगा। हाँ मिल जाएगा। तो मतलब आपके पास और डिज़ाइन भी अच्छे अच्छे हैं जैसे ये है ना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला बिकता है आपका? हर चीज़ बिक जाती है गणेश में, सिद्धिनाथ से। अच्छा, हम आगे ये पूना का किसका है? पूना का है बकरू।
पुण्याचा राजा गणपति जी। अच्छा, हमको महाराष्ट्र का तो पता है, बहुत मनाते हैं गणपति, बहुत पूछते हैं। अमृतसर में कैसे मनाते हैं? अमृतसर के लोग हैं वो करते हैं? शुरू में आया था मैं, 30-40 मूर्ति बिकी थी मेरी। अच्छा, कोई भी मूर्ति बिकी थी, फिर कभी अगले साल 100 मूर्ति बिक गया। अच्छा, 200 बिक गया। अच्छा, तो बढ़ती की लोगों को पास अनुभव होता गया तो बिकती की। मतलब ये मान के चले अमृतसर के लोग भी काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अवेयरनेस होगी। हाँ, अवेयरनेस काफ़ी होगी है अमृतसर में भी। तो चलो ठीक है, हम लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि कल है गणेश चतुर्थी, कल लास्ट डे आपका है ना? लास्ट डे हमारा माल, हाँ, माल बच गया। जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके तरफ आए। लोकेशन है हमारी, देखिए उस तरफ देखिए, नावल्टी चौक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही है ये पंडाल है गणेश जी का। और आपका नाम क्या है पूरा बताइए? गुलाबदास। गुलाबदास जी का पास आकर जरूर मिलिए, आइए राजस्थान से। जी 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 जी, ये मच्छरदास से फिर भी इधर रखे हुए कि गणपति ले जाओ और पूजा करो गणपति। जी जी जी, आपके घर में धन की वर्षा करे, सच्चे बाचा कारोबार में रोजी रोजगार में सफलता देवे, आपके बाल वो गापाल राजी देवे। जी जी, गणपति बप्पा मोरया।